कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिर से एक बार 3 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है, जिसमें कि सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी, बाकी सब पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इस पर हमारी संवाददाता पूजा ने की 10 जुलाई की रात खास ग्राउंड रिपोर्टिंग। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा ऐलान, शुक्रवार से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का संपूर्ण लॉकडाउन है। अब देखना यह है कि इस दौरान किस प्रकार इस लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पुलिस की जिप्सी है, जिसमें पुलिस वाले मौजूद हैं और संपूर्ण लॉकडाउन का पूर्ण पालन करवा रहे हैं। जिस प्रकार का लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका दौरा करेंगे आज हम इंदिरापुरम में। तो इसी के साथ अब हम आपको लेकर चलते हैं नेशनल हाईवे की ओर, देखते हैं वहाँ पे लॉकडाउन का क्या हालात है। उत्तर प्रदेश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं, ऐसे में एकमात्र इलाज लॉकडाउन का है। तो यह बड़ा फैसला कितना कारगर सिद्ध होता है, देखते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं CISF रोड पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैरियर लगा है, काफ़ी पुलिस भी यहाँ पर है। तो लॉकडाउन का जिस तरीके से संपूर्ण पालन हो रहा है, ऐसे लगता है कि कोरोना वायरस को मात देने में देर नहीं होगी। संक्रमण रोको मुहिम में आज हर एक नागरिक ने और हमारी जिला प्रशासन ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त वसुंधरा सेक्टर 14 में मौजूद हूँ और यहाँ की हर एक गली, हर एक चौराहा सन्नाटे से भरा हुआ है। इक्का दुक्का ही गाड़ियां हैं, जो लोग अपने घर जा रहे हैं तो उन लोगों को ही आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी पुलिस प्रशासन पीछे मौजूद है, लोगों को उनकी जानकारी लेने के बाद वो कहां से आ रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे जाने दे रही है। वहीं मोइनी ने की 11 जुलाई की सुबह को ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिसमें हमने जाना कि कैसे हो रहा है और कराया जा रहा है इस लॉकडाउन का पालन। आइए लेकर चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन जारी किया है। कल रात्रि 10 बजे से 13 तारीख की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी किया गया है। हमारी टीम ने कल रात भी आपको दिखाया था कि पुलिस चेकपोस्ट के साथ पूरी तरह तैनात थी। जो बेफालतू लोग घर से निकले हुए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा था, साथ ही जो लोग निकले हुए थे उनकी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने दिया जा रहा था। सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही ओपन है, सारी दुकानें लगभग बंद है। रोड पर भी वाहन बहुत कम नजर आ रहे हैं। रात को भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा था, साथ ही अभी भी आप देख सकते हैं लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से हो रहा है। इस 3 दिन के लॉकडाउन से सरकार की यही कोशिश है कि जो कोरोना संक्रमण फैलाव है उस पर कंट्रोल पा लिया जाए। उससे कोशिश यही है कि जितना हो सके कोरोना वायरस जो बढ़ रहे मामले हैं उन पर काबू पा लिया जाए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस